वैसे तो झारखंड को हरे भरे जंगल मतलब लैंड ऑफ फॉरेस्ट, लैंड ऑफ वाटरफॉल्स, हेरिटेज, टूरिज्म और कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन झारखंड में बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और बहुत ज्यादा आगे भी निकल चुके हैं। ऐसे ही कुछ खास टॉप 10 सिटीज के बारे में जानेंगे, जो कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, कुछ पैरामीटर्स के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कितना यहाँ पर डेवलप हो चुकी है और कौन सा शहर कितना आगे निकल चुका है। डेटास जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव, आप देख रहे हैं चंद्रदेव जोन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। तो सबसे पहले 10वें नंबर पर हम चलते हैं गुमला की ओर। झारखंड राज्य का यह गुमला शहर बेहद ही खूबसूरत है। अगर आपको कभी भी मौका मिलता है गुमला शहर विजिट करने का तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन की तो यहाँ की पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के अनुसार 10,25,213 है, जबकि लिटरेसी रेट की बात की जाए तो करीब 65% है और यहाँ पर कुड़ुक, उराव और मुंडारी भाषा बोली जाती है, साथ ही हिंदी भाषा काफी मात्रा में बोली जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर आय की बात की जाए तो कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है और प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 14,786 है। 9वें नंबर पर मैं आपको लेकर चलता हूँ गढ़वा शहर। झारखंड के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक गढ़वा शहर बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारे नए नए चीजें और डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन की तो 13,22,784 है और उसके बाद लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 60% है, कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है, प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 11,595 है, हिंदी, उर्दू, कुरुख और उरांव भाषा यहाँ पर आमतौर से बोली जाती है। आप झारखंड के कौन से शहर से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी आंकड़े 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, अभी के मामले में काफी आंकड़े बदल चुके होंगे। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है बेहद ही खूबसूरत सिटी से, वह है गिरिडीह। गिरिडीह अपने बेहद ही खूबसूरत धार्मिक स्थल पारसनाथ मंदिर के लिए और सबसे ऊंची चोटी में से एक पारसनाथ पहाड़ के लिए जाना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीब 24,45,474 है, यहाँ की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो करीब 63.14% है, कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है, यहाँ पर अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 14,879 देखने के लिए मिलने वाली है और हिंदी, संथाली, उर्दू भाषा यहाँ पर आमतौर पर बोली जाती है। क्या आपने कभी गिरिडीह घूमा है, गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ में ट्रेकिंग किया है, पारसनाथ मंदिर का विजिट किया है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है 7वें नंबर पर कोडरमा से। कोडरमा के बेहद ही खूबसूरत शहरों में से एक है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बेहद ही खूबसूरत डैम जो तिलैया डैम है वह देखने के लिए मिल जाएगा। खैर यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो आपको करीब 7,16,259 देखने के लिए मिलने वाली है, लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 66.84% और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 20,964 है, कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है, हिंदी, संथाली, उर्दू आमतौर पर यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है देवघर से। देवघर अपने सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े धार्मिक स्थल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर वैद्यनाथ धाम की दर्शन करने के लिए और साथ ही यहाँ पर बोलबम में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, आपको देवघर जरूर विजिट करना चाहिए। बात की जाए यहाँ के पॉपुलेशन की तो 14,92,173 देखने के लिए मिलने वाली है, साथ ही यहाँ पर लिटरेसी रेट 64%, 21,398 प्रति व्यक्ति आय है, कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है बोकारो शहर से। वैसे तो बोकारो एक औद्योगिक शहर है, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग और प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीब 20,62,333 है और उसके बाद यहाँ की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 72% है, प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 24,569 है, उसके बाद यहाँ पर कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है, हिंदी, संथाली और बंगाली आमतौर पर बोली जाती है। उसके बाद 4वें नंबर पर हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है झारखंड के टॉप सिटी में से एक हजारीबाग से। हजारीबाग की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 17,34,495 है, यहाँ पर लिटरेसी रेट 69% है, 22,489 यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है, कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है, हिंदी, संथाली और उर्दू आम तौर पर यहाँ पर बोली जाती है। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है झारखंड का तीसरा सबसे अमीर शहर धनबाद से। धनबाद आपको जरूर विजिट करना चाहिए, यहाँ पर आपको सबसे बड़े संस्थान में से एक IIT देखने के लिए मिल जाएगा और सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक यहाँ पर आपको मैथन डैम देखने के लिए मिलने वाली है। धनबाद की पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीब 26,84,487 है, यहाँ की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 74% है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 33,644 है, कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है, हिंदी, संथाली
नेपाली और बंगाली आमतौर पर यहाँ पर बोली जाती है। धनबाद न सिर्फ अपने टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन मतलब IIT और सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन मैथन डैम के लिए जाना जाता है, बल्कि धनबाद के झरिया में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है झारखंड का दूसरा सबसे अमीर शहर जमशेदपुर से। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीब 13,37,131 है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो करीब 89% है। 91,874 यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है। कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है। झारखंड का सबसे बड़ा पार्क जुबली पार्क आपको जमशेदपुर शहर में ही देखने के लिए मिलने वाली है। जमशेदपुर में आपको बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन स्टार्ट होता है झारखंड की राजधानी रांची शहर से। रांची शहर की पॉपुलेशन की बात की जाए तो करीब 29,14,253 है। यहाँ की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो करीब 76% है। 86,000 से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। कृषि सबसे बड़ा आय का स्रोत है। हिंदी उर्दू कुरुक उराव भाषा आमतौर पर यहाँ पर बोली जाती है। रांची शहर में आपको बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।